हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर सिटीज ऑन द रिवर बैंक्स। तो हमारे इंडिया में जो महत्वपूर्ण या बड़े शहर हैं और जो नदियों किनारे बसे हुए, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो उससे पहले हम देखते हैं कि नदी क्या है और इंडिया में कैसी और कितनी नदी हैं। तो नदियों की जब बात करते हैं, सबसे पहले गंगा रिवर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है गंगा नदी के बारे में। तो गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। एंड द वाटर इज शेयर्ड बिटवीन द 10 स्टेट। इसका जो पानी है वो 10 राज्यों में बांटा जाता है, साझा किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस, सिंचाई के लिए, खेती के लिए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट कन्फ्लुएंसेस दैट अकर अंडर द गंगा रिवर सिस्टम आर गिवन एज फॉलोस। तो ये कुछ प्रयाग हैं या संगम हैं। संगम या प्रयाग बनता है दो या उससे अधिक नदियां जब मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जो आपस में मिलती हैं और उनके कुछ नाम हैं उस प्रयाग के जो हमने रखे हुए हैं। इन प्रयाग पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि हम देख सकते हैं विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग मिलता है अलकनंदा प्लस, ये गलत प्रिंटिंग हो गया, इसको काट दीजिए, यहाँ लिखिए धौली गंगा, इसको काट कर यहाँ लिख लीजिए, इसको कट कर देना, यहाँ आना है धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा लिखना है आपको। नेक्स्ट जो प्रयाग है वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग बनता है अलकनंदा प्लस नंदाकिनी के संगम से। नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग, बनता है अलकनंदा प्लस पिंडाकी के संगम से। रुद्रप्रयाग, ये बनता है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के संगम से। मंदाकिनी एक रिवर है जो कि हमारे केदारनाथ से निकलती है और आगे चलकर अलकनंदा से मिलती है, तो इसका नाम लिख देते हैं रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग ये बनता है अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम से, ठीक है। और जो अलकनंदा रिवर है, ये अलकनंदा रिवर निकल कर आती है हमारे बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ मतलब विष्णु जी का टेम्पल, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलती है तब विष्णु प्रयाग बनता है विष्णु जी के नाम पर। नेक्स्ट सबसे लास्ट है जो तुम्हारा हम बात कर रहे थे अभी, अलकनंदा प्लस भागीरथी। भागीरथी जो नदी है वो मेन सोर्स है गंगा नदी का, जो निकलता है गंगोत्री से। जब भागीरथी और अलकनंदा इतनी सारी नदियों से मिलकर आती है, देखिए अलकनंदा प्लस धौली गंगा प्लस नंदाकिनी प्लस पिंडाकी प्लस मंदाकिनी, और उसके बाद लास्ट में जब गंगा ओरिजिन है गंगोत्री से, वो भागीरथी बनकर आती है और फिर से आगे चलकर अलकनंदा से मिल जाती है, तो बन जाती है गंगा। यहाँ लिखा हुआ है भागीरथी इज द मेन सोर्स स्ट्रीम ऑफ गंगा रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एट हरिद्वार। गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज इन उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा लंबी जो रिवर है लंबाई वो उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा की, और सबसे कम जो लंबाई है वो झारखंड में है। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर इज यमुना एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज घाघरा। ये आप हिंदी में देख सकते हैं, 5 राज्यों से गुजरती है, 5-10 राज्यों में साझा किया, ये सब मैंने बता चुका हूँ।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। भागीरथी गंगा नदी की मुख्य स्रोत धारा है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती, बता चुका हूँ, हरिद्वार से पहाड़ों से निकलकर हरिद्वार से होकर मैदानी इलाकों में आ जाती है गंगा। ये ऊपर बताया आपको, गंगा नदी की अधिकतम लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ये तो हिंदी का इंग्लिश आपको दिखाया गया है यहाँ पर। यमुना नदी, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। यह गंगा नदी के समांतर बहती है क्योंकि प्रयागराज में गंगा के दाहिने किनारे की ओर सहायक नदी मिलती है। हम सब जानते हैं हमारी जो गंगा रिवर है उससे यमुना रिवर प्रयागराज में आकर मिल जाती है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो 1367 किलोमीटर लंबी है, तीसरी सबसे लंबी नदी नदी है, और चंबल यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी में मौजूद चार प्रमुख बौद्धिक परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, राजस्थान में जवाहर सागर और कोटा में कोटा बैराज। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो कि चंबल नदी पर हैं, याद उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया में कुछ ड्रेन सिस्टम है। पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉन पेरेनियल इन नेचर, दीज रिवर्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ देयर माउथ विच आर गिवन एज फ्लो। हमारे पास इंडिया में दो तरह की नदियाँ हैं, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, उसमें पहली नदी आती है गोदावरी। तो गोदावरी के रिगार्डिंग डिटेल्स दी हुई है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी माउंटेन्स एट त्रंबकेश्वर इन नासिक महाराष्ट्र। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ आपको मैप दिखा गया, ये सारा मैप पेनिनसुलर इंडिया का है और उनकी रिवर्स का है, मतलब दक्षिण भारत का, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की नदियाँ हैं, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग, मतलब पूरब और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इट इज़ द आल्सो द नेम ऑफ विरधा गंगा एंड दक्षिण गंगा। तो जो गोदावरी है उसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, याद रखना। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, यमुना से थोड़ी कम। इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इज प्राणहिता, याद रहेगी बात। नेक्स्ट, ये आप इसका हिंदी वर्जन देख सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की ऐसी नदियां जो वेस्ट को बहती है, पश्चिम को बहती है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट एट महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। इट फ्लोज थ्रू द फोर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। लेंथ इज 1400 किलोमीटर। कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश अमरावती इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ दिस रिवर। तो इस नदी किनारे पर जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, वो बसा हुआ है शहर। किस नदी किनारे? कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ तेलंगाना हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मुसी रिवर विच इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डैम सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर आर नागार्जुन सागर एंड तुंगभद्रा। नागार्जुन एंड तुंगभद्रा, ये दोनों डैम बने हुए हैं कृष्णा नदी पर, याद रखना। इट इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गंगा। दूसरी अभी आपने पीछे पड़ी गोदावरी। तीसरी यमुना और चौथी कृष्णा। अब आती है कावेरी नदी। इट ओरिजिनेट एट ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका। ऊपर की जो नदियां थी वो दोनों महाराष्ट्र से निकल रही थी, अब ये तीसरी नदी है कावेरी, ये कर्नाटक से निकल रही है, ओके। इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ड्यू टू इट्स स्केयर्ड नेचर दिस रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, ओके। नेक्स्ट, सिप्सामुद्रम वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर।
अब महानदी रिवर ओरिजिनेटेड एट द सिहावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट पासिस थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 860 किलोमीटर। द फेमस डैम बिल्ट ऑन दिस रिवर इज हीराकुंड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा, हीराकुंड बांध किस पर बना हुआ है? महानदी रिवर पर, ठीक है। विच इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। सबसे लंबा जो डैम है वो यही है हीराकुंड, जो बना हुआ है महानदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना इस चीज़ को। ये हिंदी है इसका। अब बची हुई नदियाँ जो ईस्ट में फ्लो करती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पूरब में बहने वाली। सो नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। इट फ्लो टू द रिफ्ट वैली बिटवीन विध्यांचल रेंज इन नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज इन द साउथ। द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज अराउंड 1300 किलोमीटर। एंड द फेमस डैम बिल्ट ऑन दिस रिवर इज सागर सरोवर डैम। इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट वार्ड फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। तापी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। इट्स लेंथ इज अराउंड 700 किलोमीटर। इट फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात। ये कुछ आपको इमेजेस के थ्रू बताने वाला हूँ, डैम्स, सिटीज और वो कहाँ कहाँ पर किस नदी किनारे बसे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली सिटी है आगरा, ये सब लोग जानते होंगे आप। यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, दिल्ली भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है और मथुरा भी यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। आजकल यमुना नदी किनारे बसे हुए शहर, इनकी वजह से यमुना नदी बहुत पोल्यूटेड होती जा रही है। मेजरली दिल्ली किनारे जो बसी हुई यमुना है बहुत पोल्यूटेड है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। जो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है वहाँ पानी देखिए, और बहते बहते जब ये दिल्ली साइड प्लेन्स में आकर बहने लगती है तो उसका पानी बिल्कुल काला पड़ जाता है। नेक्स्ट जो शहर है अहमदाबाद गुजरात में है और साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद जानते हैं, संगम है इलाहाबाद तो उत्तर प्रदेश में, गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियाँ वहाँ कर मिलती हैं। बेंगलोर जो सिटी है वो बसा हुआ है वृषभवती नदी किनारे, जो एक कर्नाटक में है। आप पिक्चर से थोड़ा सा अंदाज़ लगा सकते हैं, अहमद मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा है, मतलब अहमदाबाद जो साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है ये सिटी। ये देखिए थोड़ा मैप के जरिए बताने की कोशिश है कि सिटी और स्टेट एंड रिवर। यहाँ एक नदी है महानदी, तो महानदी आपको मैं यहाँ पर देख सकते हैं, ये संभलपुर और कटक, ये दोनों जो सिटी हैं ये महानदी के किनारे बसे हुए हैं। ओके, ये देखिए संभलपुर आपको शायद दिख रहा हो यहाँ पर, ठीक है। ये नदी यहाँ तक बहती हुई जो आ रही है ये है महानदी, उड़ीसा में है ये। ये देखिए ये सिटी कटक, और ये गिर रही है यहाँ। ओके, नेक्स्ट सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश, नदी है नर्मदा। वडोदरा सिटी गुजरात स्टेट में है और नदियां हैं जो किनारे हैं इसके विश्वामित्र, माही एंड नर्मदा। नेक्स्ट सूरत बसा है ताप्ती नदी किनारे, कलकत्ता हुगली किनारे,
कर्नूल आंध्र प्रदेश, तुंगभद्र नदी किनारे कोटा राजस्थान में चंबल नदी किनारे बसा हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। किनारे क्या, लखनऊ से गोमती नदी बीचों बीच को गुजरती है, मतलब आधा लखनऊ गोमती नगर के राइट साइड और आधा लखनऊ गोमती नदी के लेफ्ट साइड, इस तरह से लखनऊ में गोमती नदी है। लुधियाना, पंजाब, सतलज नदी, डिब्रूगढ़ एंड गुवाहाटी दोनों ही असम के स्टेट हैं और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट, श्रीनगर, झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, उज्जैन शिप्रा नदी किनारे, नासिक गोदावरी, चेन्नई कोयम्बटूर एंड तिरुचिरापल्ली, ये तीनों ही तमिलनाडु के शहर हैं और कोम अदियार नोयाल कावेरी नदी किनारे बसे हुए हैं रेस्पेक्टिवली। ये देखिए, सिटी है पटना, बनारस एंड कानपुर एंड हरिद्वार। अब इसको आप पी वी मतलब पी वी सिंधु के हिसाब से याद रख सकते हैं, पटना बनारस कानपुर हरिद्वार, ये सब गंगा नदी किनारे बसे हो। ओके, चलिए क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं। आइजोल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, आइजोल किस नदी किनारे बसा हुआ है? सही है, ऑप्शन ए प्लावंग नदी। आइजोल इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ मिजोरम, ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ प्लावंग रिवर। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इट्स अप्रोक्सीमेटली लेंथ इज 185.5 किलोमीटर। डिटेल्स आप देख सकते हैं, इतनी जरूरी नहीं है। हाँ, थोड़ा सी ये थोड़ी जैसे कि आइजोल कैपिटल सिटी है मिजोरम का, ये सब चीज़ें देख लेना। अजमेर बताइए कहाँ, किस नदी किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी किनारे। लूनी रिवर बिगिंस नियर अजमेर इन द पुष्कर वैली ऑफ द वेस्टर्न अरावली रेंज एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 550 मीटर। ओके, ट्रिब्यूटरी देख लीजिए लूनी की, सुकरी, मिथिली, बांदी, खारी, जवाई, गुहिया, शागी फ्रॉम लेफ्ट एंड जोजारी फ्रॉम राइट। ओके, इट एंड्स इन द मार्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, अजमेर इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ राजस्थान। बगदाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? बताइए, ऑप्शन बी टिग्रिस। ये कुछ इंफॉर्मेशन है बगदाद के रिगार्डिंग। बनारस बताइए, तो मैं बता चुका हूँ कितना सरल है, गंगा नदी, ठीक है। यूपी की सारी नदियों के बारे में बता रखा है आपने, नदियां और उनके शहर डिटेल में बता सकता हूँ। देखो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, आगरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू, यहाँ राम मंदिर बनने वाला है, वही वही वाला अयोध्या, कानपुर गंगा रिवर किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, बनारसी गंगा नदी, मथुरा यमुना, मिर्जापुर गंगा, औरैया यमुना एंड इटावा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। बेंगलोर किस नदी बताइए, ऑप्शन ए वृषभावती नदी किनारे, इसको हम पढ़ चुके हैं वृषभावती नदी पीछे ही। नेक्स्ट, हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी किनारे, पीछे हमने मूसी नदी पढ़ी थी, डिटेल है मूसी नदी की, ठीक है। नेक्स्ट, अमरावती बताइए किस नदी किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन बी कृष्णा नदी किनारे। अमरावती इज बींग कंस्ट्रक्टेड टू सर्व एज द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, मुझे बताया था आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। नेक्स्ट, अयोध्या अभी बताया था पीछे, सरयू नदी किनारे। ओके, ये बता चुका हूँ पीछे, कटक मतलब ओडिशा में है,
और महानदी किनारे बसा हुआ है। कटक सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ महानदी। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चंबल? बताइए। ऑप्शन डी कोटा, राजस्थान बताया था पहले, डिटेल्स हैं उसकी। देखिए, ब्रह्मपुत्र किनारे कौन सी है? देखिए, कानपुर गंगा किनारे है, लखनऊ हमारा किस किनारे है, गोमती, और तो बचा कौन सा, डिब्रूगढ़। यही आंसर ऑप्शन सी, जो कि असम में है। ओके, नेक्स्ट। हिंदोन रिवर बताइए कौन है, कौन सा शहर? ऑप्शन डी गाजियाबाद। अजमेर लूनी किनारे है, गोरखपुर राप्ती एंड जबलपुर नर्मदा, गाजियाबाद हिंडोन। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मूलमुथा? मूलमुथा इस नदी किनारे कौन सा शहर है? कुछ अजीब सा नाम है ना, हाँ पहली बार सुना है। पुणे शहर, पुणे सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मूलमुथा। मूलमुथा इज द रिवर इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द मूला एंड मुठा रिवर्स, मतलब मूला और मुठा के संगम से बनती है मूलमुथा रिवर। ओके, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंग भद्रा रिवर? ये पढ़ाया था अभी, बताइए हेरिटेज साइट कौन सी है जो तुंग भद्रा रिवर पर के किनारे है? ऑप्शन ए हम्पी। हम्पी रिगार्डिंग एक पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है। हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंग भद्रा रिवर। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी इज एट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन कर्नाटका। द सिटी ऑफ हम्पी डेवलप्ड एज कैपिटल सिटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड हेयर विच वॉज बिल्ट बाई लक्कन दंतेसा। हम्पी ट्रेडिशनली इज नोन बाई नेम्स लाइक पंप क्षेत्र, किष्किंधा क्षेत्र और भस्कारा क्षेत्र। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू कंडक्ट एक्सक्यूवेशन इन द इस एरिया में लगातार एक्सक्यूवेशन हो रहा है और भी हमारी प्राचीन धरोहरों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप इस सेशन से भी आपको काफ़ी सारी मदद मिली होगी और इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा अपने एग्जाम में, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, पेपर कीजिएगा, लग दे। सो थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।